Hello everyone, welcome back to my channel and thanks for watching my video. So guys, in this video I explain Bengali language movie Yodha the Wheel. 2014 ki ye movie hai, action film hai, jiske baare mein aaj hum baat karenge aur iske fact and review aapse share karenge. So guys, usse pehle aap sabhi doston se ek choti si request hai ki agar aap log mere channel pe naye hain to please mere channel ko subscribe karke bell icon zarur press kar diye, jisse mere aane wali tamam video ki notification milti hai aapko sabse pehle. Ji friends, Yodha the Wheel Diwali 2014 की एक बंगाली जबान की फर्स्ट ही एक्शन फिल्म है जिसकी हदायतकारी राजा चक्रवर्ती ने की है. ये फिल्म 2009 की तेलुगु फिल्म मगधेरा का रिमिक्स है. फिल्म में देव और ममनी चक्रवर्ती ने पहली बार एक ही फिल्म में अदाकारी की. इस फिल्म के मरकजी मुखालिफ के किरदार में है. इस फिल्म में दीप दीप के बाद राजा चक्रवर्ती और देव की हदायतकारी अदाकार की जोड़ी की वापसी की निशानदेही की गई है. इस फिल्म को शेरी विनी कसार फिल्मों ने प्रोड्यूस किया है और यकम अक्टूबर 2014 को पूजा के दौरान रिलीज किया है. दुर्गा पूजा के उनका फेस्टिवल होता है और तो उसमें उन्होंने दुर्गा फेस्टिवल में उन्होंने उस दौरान रिलीज किया था. जी गाइस, अब बात करते हैं, आगे मजीद बात करेंगे इसके सॉन्ग्स की और इसके और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके सॉन्ग्स के बारे में, इसके बजट के बारे में भी बात करेंगे. सो गाइस, मेरे साथ बने रहे हो, क्रिटिकल रिस्पॉन्स प्रोडक्शन की भी बात करेंगे. सो गाइस, उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है आपको सबसे पहले. सो गाइस, अब बात कर ले इसके सॉन्ग्स की. तो सो गाइस, आपको इस मूवी में जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो कि 21 मिनट 49 सेकंड के सॉन्ग्स हैं. और सॉन्ग ट्रैक एल्बम जो रिलीज हुई थी वो हुई थी सितंबर 2014 में और रिकॉर्ड भी हुई थी रिकॉर्ड भी हुई थी 2014 में ही हुई थी. और लेंथ इसकी 21 मिनट 49 सेकंड की है. श्री विकी कशार फिल्म एजेंसी और मूवी प्रोडक्शन वी म्यूजिक वालों ने इसे लेबल दिया था. सो गाइस, अगर ऑन द फिल्म वाइज इट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर और स्टार जल्शन ऑन 25 जनवरी 2015 ऑन 6 PM IST वर्ल्ड टेलीविजन प्राइम पे इसको इसका प्रोमो भी दिखाया गया था और इसे रिलीज करने से पहले. सो गाइस, ये थी मूवी के बारे में हम इंफॉर्मेशन. अब बात कर लेते हैं इसके क्रिटिकल रिस्पांस की. उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले. सो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी मूवी के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए. और अगर किसी मूवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे नीचे उस मूवी का नाम, उस सीरियल का नाम या फिर उस अदाकार के बारे में, किसी भी बारे में आप कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए. प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे भी याद रखिए और फिल्म को एंजॉय करें और अपना भी फीडबैक दें. जिन दोस्तों ने देखी है वो मुझे जरूर बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या फीडबैक है उनका इस मूवी को लेकर. मुखालिफ के किरदार में है इस फिल्म में दीप के बाद राजा चक्रवर्ती और देव की हदायतकारी अदाकार की जोड़ी की वापसी की निशानदेही की गई है. इस फिल्म को शेरी विनी कसार फिल्मों ने प्रोड्यूस किया है और यकम अक्टूबर 2014 को पूजा के दौरान रिलीज किया है. दुर्गा पूजा के उनका फेस्टिवल होता है और तो उसमें उन्होंने दुर्गा फेस्टिवल
में उन्होंने उस दौरान रिलीज किया था। जी गाइस, अब बात करते हैं, आगे मजीद बात करेंगे इसके सॉन्ग्स की और इसके और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके सॉन्ग्स के बारे में, इसके बजट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइस, मेरे साथ बने रहे हो क्रिटिकल रिस्पॉन्स और प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। सो गाइस, उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे, जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है आपको सबसे पहले। सो गाइस, अब बात कर ले इसके सॉन्ग्स की, तो सो गाइस आपको इस मूवी में जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो कि 21 मिनट 49 सेकंड के सॉन्ग्स हैं। और सॉन्ग ट्रैक एल्बम जो रिलीज हुई थी वो हुई थी सितंबर 2014 में, और रिकॉर्ड भी हुई थी रिकॉर्ड भी हुई थी 2014 में ही हुई थी। और लेंथ इसकी 21 मिनट 49 सेकंड के है। शेर विकी के शार फिल्म जेंसी और मूवी प्रोडक्शन वी म्यूजिक वालों ने इसे लेबल दिया था। सो गाइस, अगर द फिल्म वाज इट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर और स्टार जलशन ऑन 25 जनवरी 2015 ऑन 6 PM IST वर्ल्ड टेलीविजन प्राइम पे इसको इसका प्रोमो भी दिखाया गया था और इसे रिलीज करने से पहले। सो गाइस, ये थी मूवी के बारे में हम इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इसके क्रिटिकल रिस्पांस की। उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी मूवी के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए, और अगर किसी मूवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे नीचे उस मूवी का नाम, उस सीरियल का नाम या फिर उस अदाकार के बारे में, किसी भी बारे में आप कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे भी याद रखिए और फिल्म को एंजॉय करें, और अपना भी फीडबैक दें। जिन दोस्तों ने देखी है उन्हें मुझे जरूर बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या फीडबैक है उनका इस मूवी को लेकर। महालिफ के किरदार में है इस फिल्म में दीप के बाद राजा चक्रवर्ती और देव की हदायतकारी अदाकार की जोड़ी की वापसी की निशानदेही की गई है। इस फिल्म को शेरी विनी साठ फिल्मों ने प्रोड्यूस किया है और यकम अक्टूबर 2014 को पूजा के दौरान रिलीज किया है। दुर्गा पूजा के उनका फेस्टिवल होता है, तो उसमें उन्होंने दुर्गा फेस्टिवल में उन्होंने उस दौरान रिलीज किया था। जी गाइस, अब बात करते हैं, आगे मजीद बात करेंगे इसके सॉन्ग्स की और इसके और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके सॉन्ग्स के बारे में, इसके बजट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइस, मेरे साथ बने रहे हो क्रिटिकल रिस्पॉन्स और प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। सो गाइस, उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे, जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है आपको सबसे पहले। सो गाइस, अब बात कर ले इसके सॉन्ग्स की, तो सो गाइस आपको इस मूवी में जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो कि 21 मिनट 49 सेकंड के सॉन्ग्स हैं। और सॉन्ग ट्रैक एल्बम जो रिलीज हुई थी वो हुई थी सितंबर 2014 में, और रिकॉर्ड भी हुई थी रिकॉर्ड भी हुई थी 2014 में ही हुई थी। और लेंथ इसकी 21 मिनट 49 सेकंड की है। शेर विकी के शार फिल्म जेंसी और मूवी प्रोडक्शन वी म्यूजिक वालों ने इसे लेबल दिया था। सो गाइस, अगर द फिल्म वाज इट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर और स्टार जलशन ऑन 25 जनवरी 2015 ऑन 6 PM IST वर्ल्ड टेलीविजन प्राइम पे इसको इसका प्रोमो भी दिखाया गया था
इसे रिलीज करने से पहले। सो गाइस ये थी मूवी के बारे में हम इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इसके क्रिटिकल रिस्पांस की। उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। सो फ्रेंड्स अगर आपको किसी मूवी के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए। और अगर किसी मूवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे नीचे उस मूवी का नाम, उस सीरियल का नाम या फिर उस अदाकार के बारे में, किसी भी बारे में आप कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे भी याद रखिए और फिल्म को एंजॉय करें। और अपना भी फीडबैक दें, जिन दोस्तों ने देखी है उन्हें मुझे जरूर बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या फीडबैक है उनका इस मूवी को लेकर। महालिफ के किरदार में है इस फिल्म में दीप के बाद राजा चक्रवर्ती और देवकी हदायतकारी अदाकार की जोड़ी की वापसी की निशानदेही की गई है। इस फिल्म को शेरी विनी सात फिल्मों ने प्रोड्यूस किया है और यकम अक्टूबर 2014 को पूजा के दौरान रिलीज किया है। दुर्गा पूजा के उनका फेस्टिवल होता है और तो उसमें उन्होंने दुर्गा फेस्टिवल में उन्होंने उस दौरान रिलीज किया था। जी गाइज अब बात करते हैं, आगे मजीद बात करेंगे इसके सॉन्ग्स की और इसके और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके सॉन्ग्स के बारे में, इसके बजट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइज मेरे साथ बने रहे हो, क्रिटिकल रिस्पॉन्स और प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। सो गाइज उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है आपको सबसे पहले। सो गाइज अब बात कर ले इसके सॉन्ग्स की, तो सो गाइज आपको इस मूवी में जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो कि 21 मिनट 49 सेकंड के सॉन्ग्स हैं। और सॉन्ग ट्रैक एल्बम जो रिलीज हुई थी वो हुई थी सितंबर 2014 में और रिकॉर्ड भी हुई थी सितंबर रिकॉर्ड भी हुई थी 2014 में ही हुई थी। और लेंथ इसकी 21 मिनट 49 सेकंड की है। शेरी विकी के शार फिल्म जेंसी और मूवी प्रोडक्शन वी म्यूजिक वालों ने इसे लेबल दिया था। सो गाइस अगर द फिल्म वाज इट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर और स्टार जल्शन ऑन 25 जनवरी 2015 ऑन 6 PM IST वर्ल्ड टेलीविजन प्राइम पे इसको इसका प्रोमो भी दिखाया गया था और इसे रिलीज करने से पहले। सो गाइज ये थी मूवी के बारे में हम इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इसके क्रिटिकल रिस्पांस की। उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। सो फ्रेंड्स अगर आपको किसी मूवी के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए। और अगर किसी मूवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे नीचे उस मूवी का नाम, उस सीरियल का नाम या फिर उस अदाकार के बारे में, किसी भी बारे में आप कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे भी याद रखिए और फिल्म को एंजॉय करें। और अपना भी फीडबैक दें, जिन दोस्तों ने देखी है उन्हें मुझे जरूर बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या फीडबैक है उनका इस मूवी को लेकर। महालिफ के किरदार में है इस फिल्म में दीप के बाद राजा चक्रवर्ती और देवकी हदायतकारी अदाकार की जोड़ी की वापसी की निशानदेही की गई है। इस फिल्म को शेरी विनी सात फिल्मों ने प्रोड्यूस किया है और यकम अक्टूबर 2014 को पूजा के दौरान रिलीज किया है। दुर्गा पूजा के उनका फेस्टिवल होता है और तो उसमें उन्होंने दुर्गा फेस्टिवल में उन्होंने उस दौरान रिलीज किया था।
जी गाइस, अब बात करते हैं आगे, मजीद बात करेंगे इसके सॉन्ग्स की और इसके और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके सॉन्ग्स के बारे में, इसके बजट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइस, मेरे साथ बने रहे हो क्रिटिकल रिस्पॉन्स और प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। सो गाइस, उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे, जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है आपको सबसे पहले। सो गाइज, अब बात कर ले इसके सॉन्ग्स की, तो सो गाइज आपको इस मूवी में जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो कि 21 मिनट 49 सेकंड के सॉन्ग्स हैं। और सॉन्ग ट्रैक एल्बम जो रिलीज हुई थी वो हुई थी सितंबर 2014 में, और रिकॉर्ड भी हुई थी सितंबर सॉरी रिकॉर्ड भी हुई थी 2014 में ही हुई थी, और लेंथ इसकी 21 मिनट 49 सेकंड की है। श्री विकी कशार फिल्म एजेंसी और मूवी प्रोडक्शन वी म्यूजिक वालों ने इसे लेबल दिया था। सो गाइज, अगर द फिल्म वाज इट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर और स्टार जल्शन ऑन 25 जनवरी 2015 ऑन 6 PM IST वर्ल्ड टेलीविजन प्राइम पे इसको इसका प्रोमो भी दिखाया गया था और इसे रिलीज करने से पहले। सो गाइज, ये थी मूवी के बारे में हम इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इसके क्रिटिकल रिस्पांस की। उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी मूवी के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए, और अगर किसी मूवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे नीचे उस मूवी का नाम, उस सीरियल का नाम या फिर उस अदाकार के बारे में, किसी भी बारे में आप कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए, प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और मुझे भी याद रखिए और फिल्म को एंजॉय करें, और अपना भी फीडबैक दें, जिन दोस्तों ने देखी है उन्हें मुझे जरूर बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या फीडबैक है उनका इस मूवी को लेकर। महालिफ के किरदार में है इस फिल्म में दीप के बाद राजा चक्रवर्ती और देवकी हदायतकारी अदाकार की जोड़ी की वापसी की निशानदेही की गई है। इस फिल्म को शेरी विनी साठ फिल्मों ने प्रोड्यूस किया है और यकम अक्टूबर 2014 को पूजा के दौरान रिलीज किया है। दुर्गा पूजा के उनका फेस्टिवल होता है, और तो उसमें उन्होंने दुर्गा फेस्टिवल में उन्होंने उस दौरान रिलीज किया था। जी गाइज, अब बात करते हैं आगे, मजीद बात करेंगे इसके सॉन्ग्स की और इसके और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके सॉन्ग्स के बारे में, इसके बजट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइज, मेरे साथ बने रहे हो क्रिटिकल रिस्पॉन्स और प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। सो गाइज, उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे, जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है आपको सबसे पहले। सो गाइज, अब बात कर ले इसके सॉन्ग्स की, तो सो गाइज आपको इस मूवी में जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो कि 21 मिनट 49 सेकंड के सॉन्ग्स हैं। और सॉन्ग ट्रैक एल्बम जो रिलीज हुई थी वो हुई थी सितंबर 2014 में, और रिकॉर्ड भी हुई थी सॉरी रिकॉर्ड भी हुई थी 2014 में ही हुई थी, और लेंथ इसकी 21 मिनट 49 सेकंड की है। श्री विकी कशार फिल्म एजेंसी और मूवी प्रोडक्शन वी म्यूजिक वालों ने इसे लेबल दिया था। सो गाइज, अगर द फिल्म वाज इट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर और स्टार जल्शन ऑन 25 जनवरी 2015 ऑन 6 PM IST वर्ल्ड टेलीविजन प्राइम पे इसको इसका प्रोमो भी दिखाया गया था
इसे रिलीज करने से पहले। सो गाइस ये थी मूवी के बारे में हम इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इसके क्रिटिकल रिस्पांस की। उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। सो फ्रेंड्स अगर आपको किसी मूवी के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए। और अगर किसी मूवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे नीचे उस मूवी का नाम, उस सीरियल का नाम या फिर उस अदाकार के बारे में, किसी भी बारे में आप कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे भी याद रखिए और फिल्म को एंजॉय करें। और अपना भी फीडबैक दें, जिन दोस्तों ने देखी है वो मुझे जरूर बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या फीडबैक है उनका इस मूवी को लेकर। मुखालिफ के किरदार में है इस फिल्म में दीप के बाद राजा चक्रवर्ती और देवकी हदायतकारी अदाकार की जोड़ी की वापसी की निशानदेही की गई है। इस फिल्म को शेरी विनी साठ फिल्मों ने प्रोड्यूस किया है और यकम अक्टूबर 2014 को पूजा के दौरान रिलीज किया है। दुर्गा पूजा के उनका फेस्टिवल होता है तो उसमें उन्होंने दुर्गा फेस्टिवल में उन्होंने उस दौरान रिलीज किया था। जी गाइज अब बात करते हैं, आगे मजीद बात करेंगे इसके सॉन्ग्स की और इसके और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके सॉन्ग्स के बारे में, इसके बजट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइज मेरे साथ बने रहे हो, क्रिटिकल रिस्पॉन्स और प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। सो गाइज उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है आपको सबसे पहले। सो गाइज अब बात कर ले इसके सॉन्ग्स की, तो सो गाइज आपको इस मूवी में जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो कि 21:49 के सॉन्ग्स हैं। और सॉन्ग ट्रैक एल्बम जो रिलीज हुई थी वो हुई थी सितंबर 2014 में और रिकॉर्ड भी हुई थी सितंबर रिकॉर्ड भी हुई थी 2014 में ही हुई थी। और लेंथ इसकी 21:49 की है। शेरी विक्की के शार फिल्म जेंसी और मूवी प्रोडक्शन वी म्यूजिक वालों ने इसे लेबल दिया था। सो गाइस अगर द फिल्म वाज इट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर और स्टार जल्शन ऑन 25 जनवरी 2015 ऑन 6 PM IST वर्ल्ड टेलीविजन प्राइम पे इसको इसका प्रोमो भी दिखाया गया था और इसे रिलीज करने से पहले। सो गाइज ये थी मूवी के बारे में हम इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इसके क्रिटिकल रिस्पांस की। उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। सो फ्रेंड्स अगर आपको किसी मूवी के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए। और अगर किसी मूवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे नीचे उस मूवी का नाम, उस सीरियल का नाम या फिर उस अदाकार के बारे में, किसी भी बारे में आप कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे भी याद रखिए और फिल्म को एंजॉय करें। और अपना भी फीडबैक दें, जिन दोस्तों ने देखी है वो मुझे जरूर बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या फीडबैक है उनका इस मूवी को लेकर। मुखालिफ के किरदार में है इस फिल्म में दीप के बाद राजा चक्रवर्ती और देवकी हदायतकारी अदाकार की जोड़ी की वापसी की निशानदेही की गई है। इस फिल्म को शेरी विनी साठ फिल्मों ने प्रोड्यूस किया है और यकम अक्टूबर 2014 को पूजा के दौरान रिलीज किया है। दुर्गा पूजा के उनका फेस्टिवल होता है तो उसमें उन्होंने दुर्गा फेस्टिवल में उन्होंने उस दौरान रिलीज किया था।
जी गाइस, अब बात करते हैं आगे, मजीद बात करेंगे इसके सॉन्ग्स की और इसके और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके सॉन्ग्स के बारे में, इसके बजट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइस, मेरे साथ बने रहे हो क्रिटिकल रिस्पॉन्स और प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। सो गाइस, उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दी, जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है आपको सबसे पहले। सो गाइज, अब बात कर ले इसके सॉन्ग्स की। तो सो गाइज, आपको इस मूवी में जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो कि 21 मिनट 49 सेकंड के सॉन्ग्स हैं। और सॉन्ग ट्रैक एल्बम जो रिलीज हुई थी वो हुई थी सितंबर 2014 में, और रिकॉर्ड भी हुई थी रिकॉर्ड भी हुई थी 2014 में ही हुई थी। और लेंथ इसकी 21 मिनट 49 सेकंड की है। श्री विकी कशार फिल्म एजेंसी और मूवी प्रोडक्शन वी म्यूजिक वालों ने इसे लेबल दिया था। सो गाइज, अगर द फिल्म वाज इट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर और स्टार जल्शन ऑन 25 जनवरी 2015 ऑन 6 PM IST वर्ल्ड टेलीविजन प्राइम पे इसको इसका प्रोमो भी दिखाया गया था और इसे रिलीज करने से पहले। सो गाइज, ये थी मूवी के बारे में हम इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इसके क्रिटिकल रिस्पांस की। उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी मूवी के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए। और अगर किसी मूवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे नीचे उस मूवी का नाम, उस सीरियल का नाम या फिर उस अदाकार के बारे में, किसी भी बारे में आप कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे भी याद रखिए और फिल्म को एंजॉय करें। और अपना भी फीडबैक दें, जिन दोस्तों ने देखी है उन्हें मुझे जरूर बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या फीडबैक है उनका इस मूवी को लेकर। महालिफ के किरदार में है इस फिल्म में दीप के बाद राजा चक्रवर्ती और देव की हदायतकारी अदाकार की जोड़ी की वापसी की निशानदेही की गई है। इस फिल्म को शेरी विनी साठ फिल्मों ने प्रोड्यूस किया है और यकम अक्टूबर 2014 को पूजा के दौरान रिलीज किया है। दुर्गा पूजा के उनका फेस्टिवल होता है, और तो उसमें उन्होंने दुर्गा फेस्टिवल में उन्होंने उस दौरान रिलीज किया था। जी गाइज, अब बात करते हैं आगे, मजीद बात करेंगे इसके सॉन्ग्स की और इसके और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके सॉन्ग्स के बारे में, इसके बजट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइज, मेरे साथ बने रहे हो क्रिटिकल रिस्पॉन्स और प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। सो गाइज, उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दी, जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है आपको सबसे पहले। सो गाइज, अब बात कर ले इसके सॉन्ग्स की। तो सो गाइज, आपको इस मूवी में जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो कि 21 मिनट 49 सेकंड के सॉन्ग्स हैं। और सॉन्ग ट्रैक एल्बम जो रिलीज हुई थी वो हुई थी सितंबर 2014 में, और रिकॉर्ड भी हुई थी 2014 में ही हुई थी। और लेंथ इसकी 21 मिनट 49 सेकंड की है। श्री विकी कशार फिल्म एजेंसी और मूवी प्रोडक्शन वी म्यूजिक वालों ने इसे लेबल दिया था। सो गाइज, अगर द फिल्म वाज इट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर और स्टार जल्शन ऑन 25 जनवरी 2015 ऑन 6 PM IST वर्ल्ड टेलीविजन प्राइम पे इसको इसका प्रोमो भी दिखाया गया था
इसे रिलीज करने से पहले। सो गाइस ये थी मूवी के बारे में हम इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इसके क्रिटिकल रिस्पांस की। उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी मूवी के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए। और अगर किसी मूवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे नीचे उस मूवी का नाम, उस सीरियल का नाम या फिर उस अदाकार के बारे में, किसी भी बारे में आप कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे भी याद रखिए और फिल्म को एंजॉय करें और अपना भी फीडबैक दें। जिन दोस्तों ने देखी है उन्हें मुझे जरूर बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या फीडबैक है उनका इस मूवी को लेकर। मुखालिफ के किरदार में है इस फिल्म में दीप के बाद राजा चक्रवर्ती और देव की हदायतकारी अदाकार की जोड़ी की वापसी की निशानदेही की गई है। इस फिल्म को शेरी विनी साठ फिल्मों ने प्रोड्यूस किया है और यकम अक्टूबर 2014 को पूजा के दौरान रिलीज किया है। दुर्गा पूजा के उनका फेस्टिवल होता है तो उसमें उन्होंने दुर्गा फेस्टिवल में उन्होंने उस दौरान रिलीज किया था। जी गाइज, अब बात करते हैं, आगे मजीद बात करेंगे इसके सॉन्ग्स की और इसके और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके सॉन्ग्स के बारे में, इसके बजट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइज, मेरे साथ बने रहे हो, क्रिटिकल रिस्पॉन्स और प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। सो गाइज, उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है आपको सबसे पहले। सो गाइज, अब बात कर ले इसके सॉन्ग्स की। तो सो गाइज, आपको इस मूवी में जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो कि 21 मिनट 49 सेकंड के सॉन्ग्स हैं। और सॉन्ग ट्रैक एल्बम जो रिलीज हुई थी वो हुई थी सितंबर 2014 में और रिकॉर्ड भी हुई थी सितंबर 2014 में ही हुई थी। और लेंथ इसकी 21 मिनट 49 सेकंड की है। शेरी विकी के शार फिल्म एजेंसी और मूवी प्रोडक्शन वी म्यूजिक वालों ने इसे लेबल दिया था। सो गाइज, अगर द फिल्म वाज इट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर और स्टार जल्शन ऑन 25 जनवरी 2015 ऑन 6 PM IST वर्ल्ड टेलीविजन प्राइम पे इसको इसका प्रोमो भी दिखाया गया था और इसे रिलीज करने से पहले। सो गाइज, ये थी मूवी के बारे में हम इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इसके क्रिटिकल रिस्पांस की। उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी मूवी के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए। और अगर किसी मूवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे नीचे उस मूवी का नाम, उस सीरियल का नाम या फिर उस अदाकार के बारे में, किसी भी बारे में आप कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे भी याद रखिए और फिल्म को एंजॉय करें और अपना भी फीडबैक दें। जिन दोस्तों ने देखी है उन्हें मुझे जरूर बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या फीडबैक है उनका इस मूवी को लेकर। मुखालिफ के किरदार में है इस फिल्म में दीप के बाद राजा चक्रवर्ती और देव की हदायतकारी अदाकार की जोड़ी की वापसी की निशानदेही की गई है। इस फिल्म को शेरी विनी साठ फिल्मों ने प्रोड्यूस किया है और यकम अक्टूबर 2014 को पूजा के दौरान रिलीज किया है। दुर्गा पूजा के उनका फेस्टिवल होता है तो उसमें उन्होंने दुर्गा फेस्टिवल में उन्होंने उस दौरान रिलीज किया था।
जी गाइस, अब बात करते हैं, आगे मजीद बात करेंगे इसके सॉन्ग्स की, और इसके और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके सॉन्ग्स के बारे में, इसके बजट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइस, मेरे साथ बने रहे हो, क्रिटिकल रिस्पॉन्स और प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। सो गाइस, उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दी, जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है आपको सबसे पहले। सो गाइस, अब बात कर ले इसके सॉन्ग्स की, तो सो गाइस, आपको इस मूवी में जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो कि 21 मिनट 49 सेकंड के सॉन्ग्स हैं। और सॉन्ग ट्रैक एल्बम जो रिलीज हुई थी वो हुई थी सितंबर 2014 में, और रिकॉर्ड भी हुई थी रिकॉर्ड भी हुई थी 2014 में ही हुई थी, और लेंथ इसकी 21 मिनट 49 सेकंड की है। श्री विकी कशार फिल्म एजेंसी और मूवी प्रोडक्शन वी म्यूजिक वालों ने इसे लेबल दिया था। सो गाइस, अगर द फिल्म वाज इट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर और स्टार जल्शन ऑन 25 जनवरी 2015 ऑन 6 PM IST वर्ल्ड टेलीविजन प्राइम पे इसको इसका प्रोमो भी दिखाया गया था, और इसे रिलीज करने से पहले। सो गाइस, ये थी मूवी के बारे में हम इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इसके क्रिटिकल रिस्पांस की। उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी मूवी के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए। और अगर किसी मूवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे नीचे उस मूवी का नाम, उस सीरियल का नाम या फिर उस अदाकार के बारे में, किसी भी बारे में आप कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे भी याद रखिए, और फिल्म को एंजॉय करें, और अपना भी फीडबैक दें। जिन दोस्तों ने देखी है उन्हें मुझे जरूर बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या फीडबैक है उनका इस मूवी को लेकर। मुखालिफ के किरदार में है इस फिल्म में दीप के बाद राजा चक्रवर्ती और देवकी हदायतकारी अदाकार की जोड़ी की वापसी की निशानदेही की गई है। इस फिल्म को शेरी विनी साठ फिल्मों ने प्रोड्यूस किया है, और यकम अक्टूबर 2014 को पूजा के दौरान रिलीज किया है। दुर्गा पूजा के उनका फेस्टिवल होता है, तो उसमें उन्होंने दुर्गा फेस्टिवल में उन्होंने उस दौरान रिलीज किया था। जी गाइस, अब बात करते हैं, आगे मजीद बात करेंगे इसके सॉन्ग्स की, और इसके और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके सॉन्ग्स के बारे में, इसके बजट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइस, मेरे साथ बने रहे हो, क्रिटिकल रिस्पॉन्स और प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। सो गाइस, उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दी, जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है आपको सबसे पहले। सो गाइस, अब बात कर ले इसके सॉन्ग्स की, तो सो गाइस, आपको इस मूवी में जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो कि 21 मिनट 49 सेकंड के सॉन्ग्स हैं। और सॉन्ग ट्रैक एल्बम जो रिलीज हुई थी वो हुई थी सितंबर 2014 में, और रिकॉर्ड भी हुई थी रिकॉर्ड भी हुई थी 2014 में ही हुई थी, और लेंथ इसकी 21 मिनट 49 सेकंड की है। श्री विकी कशार फिल्म एजेंसी और मूवी प्रोडक्शन वी म्यूजिक वालों ने इसे लेबल दिया था। सो गाइस, अगर द फिल्म वाज इट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर और स्टार जल्शन ऑन 25 जनवरी 2015 ऑन 6 PM IST वर्ल्ड टेलीविजन प्राइम पे इसको इसका प्रोमो भी दिखाया गया था,
इसे रिलीज करने से पहले। सो गाइस ये थी मूवी के बारे में हम इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इसके क्रिटिकल रिस्पांस की। उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। सो फ्रेंड्स अगर आपको किसी मूवी के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए। और अगर किसी मूवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे नीचे उस मूवी का नाम, उस सीरियल का नाम या फिर उस अदाकार के बारे में, किसी भी बारे में आप कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे भी याद रखिए और फिल्म को एंजॉय करें। और अपना भी फीडबैक दें, जिन दोस्तों ने देखी है वो मुझे जरूर बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या फीडबैक है उनका इस मूवी को लेकर। मुखालिफ के किरदार में है इस फिल्म में दीप के बाद राजा चक्रवर्ती और देव की हदायतकारी अदाकार की जोड़ी की वापसी की निशानदेही की गई है। इस फिल्म को शेरी विनी साठ फिल्मों ने प्रोड्यूस किया है और यकम अक्टूबर 2014 को पूजा के दौरान रिलीज किया है। दुर्गा पूजा के उनका फेस्टिवल होता है तो उसमें उन्होंने दुर्गा फेस्टिवल में उन्होंने उस दौरान रिलीज किया था। जी गाइज अब बात करते हैं, आगे मजीद बात करेंगे इसके सॉन्ग्स की और इसके और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके सॉन्ग्स के बारे में, इसके बजट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइज मेरे साथ बने रहे हो, क्रिटिकल रिस्पॉन्स और प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। सो गाइज उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है आपको सबसे पहले। सो गाइज अब बात कर ले इसके सॉन्ग्स की, तो सो गाइज आपको इस मूवी में जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो कि 21:49 के सॉन्ग्स हैं। और सॉन्ग ट्रैक एल्बम जो रिलीज हुई थी वो हुई थी सितंबर 2014 में और रिकॉर्ड भी हुई थी रिकॉर्ड भी हुई थी 2014 में ही हुई थी। और लेंथ इसकी 21:49 की है। श्री विक्की के शार फिल्म एजेंसी और मूवी प्रोडक्शन वी म्यूजिक वालों ने इसे लेबल दिया था। सो गाइज अगर द फिल्म वाज इट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर और स्टार जल्शन ऑन 25 जनवरी 2015 ऑन 6 PM IST वर्ल्ड टेलीविजन प्राइम पे इसको इसका प्रोमो भी दिखाया गया था और इसे रिलीज करने से पहले। सो गाइज ये थी मूवी के बारे में हम इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इसके क्रिटिकल रिस्पांस की। उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। सो फ्रेंड्स अगर आपको किसी मूवी के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए। और अगर किसी मूवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे नीचे उस मूवी का नाम, उस सीरियल का नाम या फिर उस अदाकार के बारे में, किसी भी बारे में आप कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे भी याद रखिए और फिल्म को एंजॉय करें। और अपना भी फीडबैक दें, जिन दोस्तों ने देखी है वो मुझे जरूर बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या फीडबैक है उनका इस मूवी को लेकर। मुखालिफ के किरदार में है इस फिल्म में दीप के बाद राजा चक्रवर्ती और देव की हदायतकारी अदाकार की जोड़ी की वापसी की निशानदेही की गई है। इस फिल्म को शेरी विनी साठ फिल्मों ने प्रोड्यूस किया है और यकम अक्टूबर 2014 को पूजा के दौरान रिलीज किया है। दुर्गा पूजा के उनका फेस्टिवल होता है तो उसमें उन्होंने दुर्गा फेस्टिवल में उन्होंने उस दौरान रिलीज किया था।
जी गाइस, अब बात करते हैं आगे, मजीद बात करेंगे इसके सॉन्ग्स की, और इसके और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके सॉन्ग्स के बारे में, इसके बजट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइस, मेरे साथ बने रहे हो क्रिटिकल रिस्पॉन्स और प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। सो गाइस, उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे, जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है आपको सबसे पहले। सो गाइज, अब बात कर ले इसके सॉन्ग्स की, तो सो गाइज, आपको इस मूवी में जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो कि 21 मिनट 49 सेकंड के सॉन्ग्स हैं। और सॉन्ग ट्रैक एल्बम जो रिलीज हुई थी वो हुई थी सितंबर 2014 में, और रिकॉर्ड भी हुई थी सॉरी, रिकॉर्ड भी हुई थी 2014 में ही हुई थी, और लेंथ इसकी 21 मिनट 49 सेकंड की है। श्री विकी कशार फिल्म एजेंसी और मूवी प्रोडक्शन वी म्यूजिक वालों ने इसे लेबल दिया था। सो गाइज, अगर दी फिल्म वाज इट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर और स्टार जल्शन ऑन 25 जनवरी 2015 ऑन 6 PM IST वर्ल्ड टेलीविजन प्राइम पे इसको इसका प्रोमो भी दिखाया गया था, और इसे रिलीज करने से पहले। सो गाइज, ये थी मूवी के बारे में हम इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इसके क्रिटिकल रिस्पॉन्स की। उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी मूवी के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए। और अगर किसी मूवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे नीचे उस मूवी का नाम, उस सीरियल का नाम, या फिर उस अदाकार के बारे में, किसी भी बारे में आप कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे भी याद रखिए, और फिल्म को एंजॉय करें, और अपना भी फीडबैक दें। जिन दोस्तों ने देखी है वो मुझे जरूर बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या फीडबैक है उनका इस मूवी को लेकर। मुखालिफ के किरदार में है इस फिल्म में दीप के बाद राजा चक्रवर्ती और देव की हदायतकारी अदाकार की जोड़ी की वापसी की निशानदेही की गई है। इस फिल्म को शेरी विनी सात फिल्मों ने प्रोड्यूस किया है, और यकम अक्टूबर 2014 को पूजा के दौरान रिलीज किया है। दुर्गा पूजा के उनका फेस्टिवल होता है, और तो उसमें उन्होंने दुर्गा फेस्टिवल में उन्होंने उस दौरान रिलीज किया था। जी गाइज, अब बात करते हैं आगे, मजीद बात करेंगे इसके सॉन्ग्स की, और इसके और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके सॉन्ग्स के बारे में, इसके बजट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइज, मेरे साथ बने रहे हो क्रिटिकल रिस्पॉन्स और प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। सो गाइज, उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे, जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है आपको सबसे पहले। सो गाइज, अब बात कर ले इसके सॉन्ग्स की, तो सो गाइज, आपको इस मूवी में जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो कि 21 मिनट 49 सेकंड के सॉन्ग्स हैं। और सॉन्ग ट्रैक एल्बम जो रिलीज हुई थी वो हुई थी सितंबर 2014 में, और रिकॉर्ड भी हुई थी सॉरी, रिकॉर्ड भी हुई थी 2014 में ही हुई थी, और लेंथ इसकी 21 मिनट 49 सेकंड की है। श्री विकी कशार फिल्म एजेंसी और मूवी प्रोडक्शन वी म्यूजिक वालों ने इसे लेबल दिया था। सो गाइज, अगर दी फिल्म वाज इट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर और स्टार जल्शन ऑन 25 जनवरी 2015 ऑन 6 PM IST वर्ल्ड टेलीविजन प्राइम पे इसको इसका प्रोमो भी दिखाया गया था,
इसे रिलीज करने से पहले। सो गाइस ये थी मूवी के बारे में हम इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इसके क्रिटिकल रिस्पांस की। उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। सो फ्रेंड्स अगर आपको किसी मूवी के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए। और अगर किसी मूवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे नीचे उस मूवी का नाम, उस सीरियल का नाम या फिर उस अदाकार के बारे में, किसी भी बारे में आप कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे भी याद रखिए और फिल्म को एंजॉय करें। और अपना भी फीडबैक दें, जिन दोस्तों ने देखी है उन्हें मुझे जरूर बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या फीडबैक है उनका इस मूवी को लेकर। मुखालिफ के किरदार में है इस फिल्म में दीप के बाद राजा चक्रवर्ती और देवकी हदायतकारी अदाकार की जोड़ी की वापसी की निशानदेही की गई है। इस फिल्म को शेरी विनी साठ फिल्मों ने प्रोड्यूस किया है और यकम अक्टूबर 2014 को पूजा के दौरान रिलीज किया है। दुर्गा पूजा के उनका फेस्टिवल होता है तो उसमें उन्होंने दुर्गा फेस्टिवल में उन्होंने उस दौरान रिलीज किया था। जी गाइज अब बात करते हैं, आगे मजीद बात करेंगे इसके सॉन्ग्स की और इसके और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके सॉन्ग्स के बारे में, इसके बजट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइज मेरे साथ बने रहे हो, क्रिटिकल रिस्पॉन्स और प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। सो गाइज उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है आपको सबसे पहले। सो गाइज अब बात कर ले इसके सॉन्ग्स की, तो सो गाइज आपको इस मूवी में जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो कि 21:49 के सॉन्ग्स हैं। और सॉन्ग ट्रैक एल्बम जो रिलीज हुई थी वो हुई थी सितंबर 2014 में और रिकॉर्ड भी हुई थी रिकॉर्ड भी हुई थी 2014 में ही हुई थी। और लेंथ इसकी 21:49 की है। श्री विकी कशार फिल्म एजेंसी और मूवी प्रोडक्शन वी म्यूजिक वालों ने इसे लेबल दिया था। सो गाइज अगर द फिल्म वाज इट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर और स्टार जल्शन ऑन 25 जनवरी 2015 ऑन 6 PM IST वर्ल्ड टेलीविजन प्राइम पे इसको इसका प्रोमो भी दिखाया गया था और इसे रिलीज करने से पहले। सो गाइज ये थी मूवी के बारे में हम इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इसके क्रिटिकल रिस्पांस की। उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। सो फ्रेंड्स अगर आपको किसी मूवी के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए। और अगर किसी मूवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे नीचे उस मूवी का नाम, उस सीरियल का नाम या फिर उस अदाकार के बारे में, किसी भी बारे में आप कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे भी याद रखिए और फिल्म को एंजॉय करें। और अपना भी फीडबैक दें, जिन दोस्तों ने देखी है उन्हें मुझे जरूर बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या फीडबैक है उनका इस मूवी को लेकर। मुखालिफ के किरदार में है इस फिल्म में दीप के बाद राजा चक्रवर्ती और देवकी हदायतकारी अदाकार की जोड़ी की वापसी की निशानदेही की गई है। इस फिल्म को शेरी विनी साठ फिल्मों ने प्रोड्यूस किया है और यकम अक्टूबर 2014 को पूजा के दौरान रिलीज किया है। दुर्गा पूजा के उनका फेस्टिवल होता है तो उसमें उन्होंने दुर्गा फेस्टिवल में उन्होंने उस दौरान रिलीज किया था।
जी गाइस, अब बात करते हैं आगे, मजीद बात करेंगे इसके सॉन्ग्स की और इसके और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके सॉन्ग्स के बारे में, इसके बजट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइस, मेरे साथ बने रहे हो क्रिटिकल रिस्पॉन्स और प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। सो गाइस, उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे, जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है आपको सबसे पहले। सो गाइज, अब बात कर ले इसके सॉन्ग्स की, तो सो गाइज, आपको इस मूवी में जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो कि 21 मिनट 49 सेकंड के सॉन्ग्स हैं। और सॉन्ग ट्रैक एल्बम जो रिलीज हुई थी वो हुई थी सितंबर 2014 में, और रिकॉर्ड भी हुई थी रिकॉर्ड भी हुई थी 2014 में ही हुई थी। और लेंथ इसकी 21 मिनट 49 सेकंड की है। श्री विक्की कशार फिल्म एजेंसी और मूवी प्रोडक्शन वी म्यूजिक वालों ने इसे लेबल दिया था। सो गाइस, अगर द फिल्म वाज इट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर और स्टार जलशन ऑन 25 जनवरी 2015 ऑन 6 PM IST वर्ल्ड टेलीविजन प्राइम पे इसको इसका प्रोमो भी दिखाया गया था और इसे रिलीज करने से पहले। सो गाइज, ये थी मूवी के बारे में हम इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इसके क्रिटिकल रिस्पॉन्स की। उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी मूवी के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए। और अगर किसी मूवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे नीचे उस मूवी का नाम, उस सीरियल का नाम या फिर उस अदाकार के बारे में, किसी भी बारे में आप कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे भी याद रखिए और फिल्म को एंजॉय करें। और अपना भी फीडबैक दें, जिन दोस्तों ने देखी है उन्हें मुझे जरूर बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या फीडबैक है उनका इस मूवी को लेकर। महालिफ के किरदार में है इस फिल्म में दीप के बाद राजा चक्रवर्ती और देव की हदायतकारी अदाकार की जोड़ी की वापसी की निशानदेही की गई है। इस फिल्म को शेरी विनी साठ फिल्मों ने प्रोड्यूस किया है और यकम अक्टूबर 2014 को पूजा के दौरान रिलीज किया है। दुर्गा पूजा के उनका फेस्टिवल होता है, तो उसमें उन्होंने दुर्गा फेस्टिवल में उन्होंने उस दौरान रिलीज किया था। जी गाइस, अब बात करते हैं आगे, मजीद बात करेंगे इसके सॉन्ग्स की और इसके और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके सॉन्ग्स के बारे में, इसके बजट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइस, मेरे साथ बने रहे हो क्रिटिकल रिस्पॉन्स और प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। सो गाइस, उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे, जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है आपको सबसे पहले। सो गाइज, अब बात कर ले इसके सॉन्ग्स की, तो सो गाइज, आपको इस मूवी में जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो कि 21 मिनट 49 सेकंड के सॉन्ग्स हैं। और सॉन्ग ट्रैक एल्बम जो रिलीज हुई थी वो हुई थी सितंबर 2014 में, और रिकॉर्ड भी हुई थी रिकॉर्ड भी हुई थी 2014 में ही हुई थी। और लेंथ इसकी 21 मिनट 49 सेकंड की है। श्री विक्की कशार फिल्म एजेंसी और मूवी प्रोडक्शन वी म्यूजिक वालों ने इसे लेबल दिया था। सो गाइज, अगर द फिल्म वाज इट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर और स्टार जलशन ऑन 25 जनवरी 2015 ऑन 6 PM IST वर्ल्ड टेलीविजन प्राइम पे इसको इसका प्रोमो भी दिखाया गया था
इसे रिलीज करने से पहले। सो गाइस ये थी मूवी के बारे में हम इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इसके क्रिटिकल रिस्पांस की। उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। सो फ्रेंड्स अगर आपको किसी मूवी के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए। और अगर किसी मूवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे नीचे उस मूवी का नाम, उस सीरियल का नाम या फिर उस अदाकार के बारे में, किसी भी बारे में आप कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे भी याद रखिए और फिल्म को एंजॉय करें। और अपना भी फीडबैक दें, जिन दोस्तों ने देखी है उन्हें मुझे जरूर बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या फीडबैक है उनका इस मूवी को लेकर। मुखालिफ के किरदार में है इस फिल्म में दीप के बाद राजा चक्रवर्ती और देवकी हदायतकारी अदाकार की जोड़ी की वापसी की निशानदेही की गई है। इस फिल्म को शेरी विनी सात फिल्मों ने प्रोड्यूस किया है और यकम अक्टूबर 2014 को पूजा के दौरान रिलीज किया है। दुर्गा पूजा के उनका फेस्टिवल होता है और तो उसमें उन्होंने दुर्गा फेस्टिवल में उन्होंने उस दौरान रिलीज किया था। जी गाइज अब बात करते हैं, आगे मजीद बात करेंगे इसके सॉन्ग्स की और इसके और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके सॉन्ग्स के बारे में, इसके बजट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइज मेरे साथ बने रहे हो, क्रिटिकल रिस्पॉन्स और प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। सो गाइज उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है आपको सबसे पहले। सो गाइज अब बात कर ले इसके सॉन्ग्स की, तो सो गाइज आपको इस मूवी में जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो कि 21 मिनट 49 सेकंड के सॉन्ग्स हैं। और सॉन्ग ट्रैक एल्बम जो रिलीज हुई थी वो हुई थी सितंबर 2014 में और रिकॉर्ड भी हुई थी सितंबर रिकॉर्ड भी हुई थी 2014 में ही हुई थी। और लेंथ इसकी 21 मिनट 49 सेकंड की है। शेरी विकी के शार फिल्म एजेंसी और मूवी प्रोडक्शन वी म्यूजिक वालों ने इसे लेबल दिया था। सो गाइस अगर द फिल्म वाज इट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर और स्टार जलशन ऑन 25 जनवरी 2015 ऑन 6 PM IST वर्ल्ड टेलीविजन प्राइम पे इसको इसका प्रोमो भी दिखाया गया था और इसे रिलीज करने से पहले। सो गाइज ये थी मूवी के बारे में हम इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इसके क्रिटिकल रिस्पांस की। उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। सो फ्रेंड्स अगर आपको किसी मूवी के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए। और अगर किसी मूवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे नीचे उस मूवी का नाम, उस सीरियल का नाम या फिर उस अदाकार के बारे में, किसी भी बारे में आप कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे भी याद रखिए और फिल्म को एंजॉय करें। और अपना भी फीडबैक दें, जिन दोस्तों ने देखी है उन्हें मुझे जरूर बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या फीडबैक है उनका इस मूवी को लेकर। मुखालिफ के किरदार में है इस फिल्म में दीप के बाद राजा चक्रवर्ती और देवकी हदायतकारी अदाकार की जोड़ी की वापसी की निशानदेही की गई है। इस फिल्म को शेरी विनी सात फिल्मों ने प्रोड्यूस किया है और यकम अक्टूबर 2014 को पूजा के दौरान रिलीज किया है। दुर्गा पूजा के उनका फेस्टिवल होता है और तो उसमें उन्होंने दुर्गा फेस्टिवल में उन्होंने उस दौरान रिलीज किया था।
जी गाइस, अब बात करते हैं आगे, मजीद बात करेंगे इसके सॉन्ग्स की और इसके और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके सॉन्ग्स के बारे में, इसके बजट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइस, मेरे साथ बने रहे हो, क्रिटिकल रिस्पॉन्स और प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। सो गाइस, उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे, जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है आपको सबसे पहले। सो गाइज, अब बात कर ले इसके सॉन्ग्स की, तो सो गाइज, आपको इस मूवी में जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो कि 21 मिनट 49 सेकंड के सॉन्ग्स हैं। और सॉन्ग ट्रैक एल्बम जो रिलीज हुई थी वो हुई थी सितंबर 2014 में, और रिकॉर्ड भी हुई थी रिकॉर्ड भी हुई थी 2014 में ही हुई थी। और लेंथ इसकी 21 मिनट 49 सेकंड की है। श्री विक्की कशार फिल्म एजेंसी और मूवी प्रोडक्शन वी म्यूजिक वालों ने इसे लेबल दिया था। सो गाइज, अगर द फिल्म वाज इट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर और स्टार जलशन ऑन 25 जनवरी 2015 ऑन 6 PM IST वर्ल्ड टेलीविजन प्राइम पे इसको इसका प्रोमो भी दिखाया गया था और इसे रिलीज करने से पहले। सो गाइज, ये थी मूवी के बारे में हम इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इसके क्रिटिकल रिस्पॉन्स की। उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी मूवी के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए। और अगर किसी मूवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे नीचे उस मूवी का नाम, उस सीरियल का नाम या फिर उस अदाकार के बारे में, किसी भी बारे में आप कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे भी याद रखिए और फिल्म को एंजॉय करें। और अपना भी फीडबैक दें, जिन दोस्तों ने देखी है उन्हें मुझे जरूर बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या फीडबैक है उनका इस मूवी को लेकर। महालिफ के किरदार में है इस फिल्म में दीप के बाद राजा चक्रवर्ती और देव की हदायतकारी अदाकार की जोड़ी की वापसी की निशानदेही की गई है। इस फिल्म को शेरी विनी साठ फिल्मों ने प्रोड्यूस किया है और यकम अक्टूबर 2014 को पूजा के दौरान रिलीज किया है। दुर्गा पूजा के उनका फेस्टिवल होता है तो उसमें उन्होंने दुर्गा फेस्टिवल में उन्होंने उस दौरान रिलीज किया था। जी गाइज, अब बात करते हैं आगे, मजीद बात करेंगे इसके सॉन्ग्स की और इसके और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके सॉन्ग्स के बारे में, इसके बजट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइज, मेरे साथ बने रहे हो, क्रिटिकल रिस्पॉन्स और प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। सो गाइज, उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे, जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है आपको सबसे पहले। सो गाइज, अब बात कर ले इसके सॉन्ग्स की, तो सो गाइज, आपको इस मूवी में जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो कि 21 मिनट 49 सेकंड के सॉन्ग्स हैं। और सॉन्ग ट्रैक एल्बम जो रिलीज हुई थी वो हुई थी सितंबर 2014 में, और रिकॉर्ड भी हुई थी रिकॉर्ड भी हुई थी 2014 में ही हुई थी। और लेंथ इसकी 21 मिनट 49 सेकंड की है। श्री विक्की कशार फिल्म एजेंसी और मूवी प्रोडक्शन वी म्यूजिक वालों ने इसे लेबल दिया था। सो गाइज, अगर द फिल्म वाज इट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर और स्टार जलशन ऑन 25 जनवरी 2015 ऑन 6 PM IST वर्ल्ड टेलीविजन प्राइम पे इसको इसका प्रोमो भी दिखाया गया था
इसे रिलीज करने से पहले। सो गाइस ये थी मूवी के बारे में हम इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इसके क्रिटिकल रिस्पांस की। उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। सो फ्रेंड्स अगर आपको किसी मूवी के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए। और अगर किसी मूवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे नीचे उस मूवी का नाम, उस सीरियल का नाम या फिर उस अदाकार के बारे में, किसी भी बारे में आप कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे भी याद रखिए और फिल्म को एंजॉय करें। और अपना भी फीडबैक दें, जिन दोस्तों ने देखी है उन्हें मुझे जरूर बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या फीडबैक है उनका इस मूवी को लेकर। मुखालिफ के किरदार में है इस फिल्म में दीप के बाद राजा चक्रवर्ती और देवकी हदायतकारी अदाकार की जोड़ी की वापसी की निशानदेही की गई है। इस फिल्म को शेरी विनी साठ फिल्मों ने प्रोड्यूस किया है और यकम अक्टूबर 2014 को पूजा के दौरान रिलीज किया है। दुर्गा पूजा के उनका फेस्टिवल होता है तो उसमें उन्होंने दुर्गा फेस्टिवल में उन्होंने उस दौरान रिलीज किया था। जी गाइज अब बात करते हैं, आगे मजीद बात करेंगे इसके सॉन्ग्स की और इसके और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके सॉन्ग्स के बारे में, इसके बजट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइज मेरे साथ बने रहे हो, क्रिटिकल रिस्पॉन्स और प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। सो गाइज उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है आपको सबसे पहले। सो गाइज अब बात कर ले इसके सॉन्ग्स की, तो सो गाइज आपको इस मूवी में जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो कि 21 मिनट 49 सेकंड के सॉन्ग्स हैं। और सॉन्ग ट्रैक एल्बम जो रिलीज हुई थी वो हुई थी सितंबर 2014 में और रिकॉर्ड भी हुई थी सितंबर सॉरी रिकॉर्ड भी हुई थी 2014 में ही हुई थी। और लेंथ इसकी 21 मिनट 49 सेकंड की है। श्री विक्की के शार फिल्म जेंसी और मूवी प्रोडक्शन वी म्यूजिक वालों ने इसे लेबल दिया था। सो गाइज अगर द फिल्म वाज इट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर और स्टार जलशन ऑन 25 जनवरी 2015 ऑन 6 PM IST वर्ल्ड टेलीविजन प्राइम पे इसको इसका प्रोमो भी दिखाया गया था और इसे रिलीज करने से पहले। सो गाइज ये थी मूवी के बारे में हम इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इसके क्रिटिकल रिस्पांस की। उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। सो फ्रेंड्स अगर आपको किसी मूवी के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए। और अगर किसी मूवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे नीचे उस मूवी का नाम, उस सीरियल का नाम या फिर उस अदाकार के बारे में, किसी भी बारे में आप कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे भी याद रखिए और फिल्म को एंजॉय करें। और अपना भी फीडबैक दें, जिन दोस्तों ने देखी है उन्हें मुझे जरूर बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या फीडबैक है उनका इस मूवी को लेकर। मुखालिफ के किरदार में है इस फिल्म में दीप के बाद राजा चक्रवर्ती और देवकी हदायतकारी अदाकार की जोड़ी की वापसी की निशानदेही की गई है। इस फिल्म को शेरी विनी साठ फिल्मों ने प्रोड्यूस किया है और यकम अक्टूबर 2014 को पूजा के दौरान रिलीज किया है। दुर्गा पूजा के उनका फेस्टिवल होता है तो उसमें उन्होंने दुर्गा फेस्टिवल में उन्होंने उस दौरान रिलीज किया था।
जी गाइस, अब बात करते हैं आगे, मजीद बात करेंगे इसके सॉन्ग्स की और इसके और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके सॉन्ग्स के बारे में, इसके बजट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइस, मेरे साथ बने रहे हो क्रिटिकल रिस्पॉन्स और प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। सो गाइस, उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दी, जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है आपको सबसे पहले। सो गाइज, अब बात कर ले इसके सॉन्ग्स की, तो सो गाइज, आपको इस मूवी में जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो कि 21 मिनट 49 सेकंड के सॉन्ग्स हैं। और सॉन्ग ट्रैक एल्बम जो रिलीज हुई थी वो हुई थी सितंबर 2014 में, और रिकॉर्ड भी हुई थी रिकॉर्ड भी हुई थी 2014 में ही हुई थी, और लेंथ इसकी 21 मिनट 49 सेकंड की है। श्री विकी कशार फिल्म एजेंसी और मूवी प्रोडक्शन वी म्यूजिक वालों ने इसे लेबल दिया था। सो गाइज, अगर द फिल्म वाज इट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर और स्टार जलशन ऑन 25 जनवरी 2015 ऑन 6 PM IST वर्ल्ड टेलीविजन प्राइम पे इसको इसका प्रोमो भी दिखाया गया था, और इसे रिलीज करने से पहले। सो गाइज, ये थी मूवी के बारे में हम इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इसके क्रिटिकल रिस्पांस की। उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी मूवी के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए, और अगर किसी मूवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे नीचे उस मूवी का नाम, उस सीरियल का नाम या फिर उस अदाकार के बारे में, किसी भी बारे में आप कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे भी याद रखिए और फिल्म को एंजॉय करें, और अपना भी फीडबैक दें। जिन दोस्तों ने देखी है उन्हें मुझे जरूर बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या फीडबैक है उनका इस मूवी को लेकर। महालिफ के किरदार में है इस फिल्म में दीप के बाद राजा चक्रवर्ती और देव की हदायतकारी अदाकार की जोड़ी की वापसी की निशानदेही की गई है। इस फिल्म को शेरी विनी कसार फिल्मों ने प्रोड्यूस किया है, और यकम अक्टूबर 2014 को पूजा के दौरान रिलीज किया है। दुर्गा पूजा के उनका फेस्टिवल होता है, और तो उसमें उन्होंने दुर्गा फेस्टिवल में उन्होंने उस दौरान रिलीज किया था। जी गाइज, अब बात करते हैं आगे, मजीद बात करेंगे इसके सॉन्ग्स की और इसके और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके सॉन्ग्स के बारे में, इसके बजट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइज, मेरे साथ बने रहे हो क्रिटिकल रिस्पॉन्स और प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। सो गाइज, उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दी, जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है आपको सबसे पहले। सो गाइज, अब बात कर ले इसके सॉन्ग्स की, तो सो गाइज, आपको इस मूवी में जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो कि 21 मिनट 49 सेकंड के सॉन्ग्स हैं। और सॉन्ग ट्रैक एल्बम जो रिलीज हुई थी वो हुई थी सितंबर 2014 में, और रिकॉर्ड भी हुई थी 2014 में ही हुई थी, और लेंथ इसकी 21 मिनट 49 सेकंड की है। श्री विकी कशार फिल्म एजेंसी और मूवी प्रोडक्शन वी म्यूजिक वालों ने इसे लेबल दिया था। सो गाइज, अगर द फिल्म वाज इट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर और स्टार जलशन ऑन 25 जनवरी 2015 ऑन 6 PM IST वर्ल्ड टेलीविजन प्राइम पे इसको इसका प्रोमो भी दिखाया गया था,
इसे रिलीज करने से पहले। सो गाइस ये थी मूवी के बारे में हम इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इसके क्रिटिकल रिस्पांस की। उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। सो फ्रेंड्स अगर आपको किसी मूवी के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए। और अगर किसी मूवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे नीचे उस मूवी का नाम, उस सीरियल का नाम या फिर उस अदाकार के बारे में, किसी भी बारे में आप कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे भी याद रखिए और फिल्म को एंजॉय करें और अपना भी फीडबैक दें। जिन दोस्तों ने देखी है उन्हें मुझे जरूर बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या फीडबैक है उनका इस मूवी को लेकर। महालिव के किरदार में है इस फिल्म में दीप के बाद राजा चक्रवर्ती और देव की हदायतकारी अदाकार की जोड़ी की वापसी की निशानदेही की गई है। इस फिल्म को शेरी विनी साठ फिल्मों ने प्रोड्यूस किया है और यकम अक्टूबर 2014 को पूजा के दौरान रिलीज किया है। दुर्गा पूजा के उनका फेस्टिवल होता है तो उसमें उन्होंने दुर्गा फेस्टिवल में उन्होंने उस दौरान रिलीज किया था। जी गाइज अब बात करते हैं, आगे मजीद बात करेंगे इसके सॉन्ग्स की और इसके और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके सॉन्ग्स के बारे में, इसके बजट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइज मेरे साथ बने रहे हो, क्रिटिकल रिस्पॉन्स और प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। सो गाइज उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है आपको सबसे पहले। सो गाइज अब बात कर ले इसके सॉन्ग्स की, तो सो गाइज आपको इस मूवी में जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो कि 21:49 के सॉन्ग्स हैं। और सॉन्ग ट्रैक एल्बम जो रिलीज हुई थी वो हुई थी सितंबर 2014 में और रिकॉर्ड भी हुई थी सितंबर रिकॉर्ड भी हुई थी 2014 में ही हुई थी। और लेंथ इसकी 21:49 की है। श्री विक्की के शार फिल्म एजेंसी और मूवी प्रोडक्शन वी म्यूजिक वालों ने इसे लेबल दिया था। सो गाइज अगर द फिल्म वाज इट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर और स्टार जल्शन ऑन 25 जनवरी 2015 ऑन 6 PM IST वर्ल्ड टेलीविजन प्राइम पे इसको इसका प्रोमो भी दिखाया गया था और इसे रिलीज करने से पहले। सो गाइज ये थी मूवी के बारे में हम इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इसके क्रिटिकल रिस्पांस की। उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। सो फ्रेंड्स अगर आपको किसी मूवी के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए। और अगर किसी मूवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे नीचे उस मूवी का नाम, उस सीरियल का नाम या फिर उस अदाकार के बारे में, किसी भी बारे में आप कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे भी याद रखिए और फिल्म को एंजॉय करें और अपना भी फीडबैक दें। जिन दोस्तों ने देखी है उन्हें मुझे जरूर बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या फीडबैक है उनका इस मूवी को लेकर। महालिफ के किरदार में है इस फिल्म में दीप के बाद राजा चक्रवर्ती और देव की हदायतकारी अदाकार की जोड़ी की वापसी की निशानदेही की गई है। इस फिल्म को शेरी विनी साठ फिल्मों ने प्रोड्यूस किया है और यकम अक्टूबर 2014 को पूजा के दौरान रिलीज किया है। दुर्गा पूजा के उनका फेस्टिवल होता है तो उसमें उन्होंने दुर्गा फेस्टिवल में उन्होंने उस दौरान रिलीज किया था।
जी गाइस, अब बात करते हैं आगे, मजीद बात करेंगे इसके सॉन्ग्स की और इसके और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके सॉन्ग्स के बारे में, इसके बजट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइस, मेरे साथ बने रहे हो क्रिटिकल रिस्पॉन्स और प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। सो गाइस, उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे, जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है आपको सबसे पहले। सो गाइज, अब बात कर ले इसके सॉन्ग्स की, तो सो गाइज आपको इस मूवी में जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो कि 21 मिनट 49 सेकंड के सॉन्ग्स हैं। और सॉन्ग ट्रैक एल्बम जो रिलीज हुई थी वो हुई थी सितंबर 2014 में, और रिकॉर्ड भी हुई थी रिकॉर्ड भी हुई थी 2014 में ही हुई थी, और लेंथ इसकी 21 मिनट 49 सेकंड की है। श्री विक्की कशार फिल्म एजेंसी और मूवी प्रोडक्शन वी म्यूजिक वालों ने इसे लेबल दिया था। सो गाइज, अगर ऑन द फिल्म वाज इट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर और स्टार जलशन ऑन 25 जनवरी 2015 ऑन 6 PM IST वर्ल्ड टेलीविजन प्राइम पे इसको इसका प्रोमो भी दिखाया गया था और इसे रिलीज करने से पहले। सो गाइज, ये थी मूवी के बारे में हम इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इसके क्रिटिकल रिस्पॉन्स की। उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी मूवी के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए, और अगर किसी मूवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे नीचे उस मूवी का नाम, उस सीरियल का नाम या फिर उस अदाकार के बारे में, किसी भी बारे में आप कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे भी याद रखिए और फिल्म को एंजॉय करें, और अपना भी फीडबैक दें। जिन दोस्तों ने देखी है वो मुझे जरूर बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या फीडबैक है उनका इस मूवी को लेकर। महालिफ के किरदार में है इस फिल्म में दीप के बाद राजा चक्रवर्ती और देवकी हदायतकारी अदाकार की जोड़ी की वापसी की निशानदेही की गई है। इस फिल्म को शेरी विनी साठ फिल्मों ने प्रोड्यूस किया है और यकम अक्टूबर 2014 को पूजा के दौरान रिलीज किया है। दुर्गा पूजा के उनका फेस्टिवल होता है, तो उसमें उन्होंने दुर्गा फेस्टिवल में उन्होंने उस दौरान रिलीज किया था। जी गाइज, अब बात करते हैं आगे, मजीद बात करेंगे इसके सॉन्ग्स की और इसके और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके सॉन्ग्स के बारे में, इसके बजट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइज, मेरे साथ बने रहे हो क्रिटिकल रिस्पॉन्स और प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। सो गाइज, उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे, जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है आपको सबसे पहले। सो गाइज, अब बात कर ले इसके सॉन्ग्स की, तो सो गाइज आपको इस मूवी में जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो कि 21 मिनट 49 सेकंड के सॉन्ग्स हैं। और सॉन्ग ट्रैक एल्बम जो रिलीज हुई थी वो हुई थी सितंबर 2014 में, और रिकॉर्ड भी हुई थी रिकॉर्ड भी हुई थी 2014 में ही हुई थी, और लेंथ इसकी 21 मिनट 49 सेकंड की है। श्री विक्की कशार फिल्म एजेंसी और मूवी प्रोडक्शन वी म्यूजिक वालों ने इसे लेबल दिया था। सो गाइज, अगर ऑन द फिल्म वाज इट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर और स्टार जलशन ऑन 25 जनवरी 2015 ऑन 6 PM IST वर्ल्ड टेलीविजन प्राइम पे इसको इसका प्रोमो भी दिखाया गया था
इसे रिलीज करने से पहले। सो गाइस ये थी मूवी के बारे में हम इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इसके क्रिटिकल रिस्पांस की। उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। सो फ्रेंड्स अगर आपको किसी मूवी के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए। और अगर किसी मूवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे नीचे उस मूवी का नाम, उस सीरियल का नाम या फिर उस अदाकार के बारे में, किसी भी बारे में आप कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे भी याद रखिए और फिल्म को एंजॉय करें। और अपना भी फीडबैक दें, जिन दोस्तों ने देखी है वो मुझे जरूर बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या फीडबैक है उनका इस मूवी को लेकर। महालिफ के किरदार में है इस फिल्म में दीप के बाद राजा चक्रवर्ती और देव की हदायतकारी अदाकार की जोड़ी की वापसी की निशानदेही की गई है। इस फिल्म को शेरी विनी साठ फिल्मों ने प्रोड्यूस किया है और यकम अक्टूबर 2014 को पूजा के दौरान रिलीज किया है। दुर्गा पूजा के उनका फेस्टिवल होता है तो उसमें उन्होंने दुर्गा फेस्टिवल में उन्होंने उस दौरान रिलीज किया था। जी गाइज अब बात करते हैं, आगे मजीद बात करेंगे इसके सॉन्ग्स की और इसके और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके सॉन्ग्स के बारे में, इसके बजट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइज मेरे साथ बने रहे हो, क्रिटिकल रिस्पॉन्स और प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। सो गाइज उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दी जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है आपको सबसे पहले। सो गाइज अब बात कर ले इसके सॉन्ग्स की, तो सो गाइज आपको इस मूवी में जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो कि 21:49 के सॉन्ग्स हैं। और सॉन्ग ट्रैक एल्बम जो रिलीज हुई थी वो हुई थी सितंबर 2014 में और रिकॉर्ड भी हुई थी रिकॉर्ड भी हुई थी 2014 में ही हुई थी। और लेंथ इसकी 21:49 की है। श्री विक्की के शार फिल्म एजेंसी और मूवी प्रोडक्शन वी म्यूजिक वालों ने इसे लेबल दिया था। सो गाइज अगर द फिल्म वाज इट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर और स्टार जल्शन ऑन 25 जनवरी 2015 ऑन 6 PM IST वर्ल्ड टेलीविजन प्राइम पे इसको इसका प्रोमो भी दिखाया गया था और इसे रिलीज करने से पहले। सो गाइज ये थी मूवी के बारे में हम इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इसके क्रिटिकल रिस्पांस की। उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। सो फ्रेंड्स अगर आपको किसी मूवी के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए। और अगर किसी मूवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे नीचे उस मूवी का नाम, उस सीरियल का नाम या फिर उस अदाकार के बारे में, किसी भी बारे में आप कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे भी याद रखिए और फिल्म को एंजॉय करें। और अपना भी फीडबैक दें, जिन दोस्तों ने देखी है वो मुझे जरूर बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या फीडबैक है उनका इस मूवी को लेकर। महालिफ के किरदार में है इस फिल्म में दीप के बाद राजा चक्रवर्ती और देव की हदायतकारी अदाकार की जोड़ी की वापसी की निशानदेही की गई है। इस फिल्म को शेरी विनी साठ फिल्मों ने प्रोड्यूस किया है और यकम अक्टूबर 2014 को पूजा के दौरान रिलीज किया है। दुर्गा पूजा के उनका फेस्टिवल होता है तो उसमें उन्होंने दुर्गा फेस्टिवल में उन्होंने उस दौरान रिलीज किया था।
जी गाइस, अब बात करते हैं आगे, मजीद बात करेंगे इसके सॉन्ग्स की, और इसके और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके सॉन्ग्स के बारे में, इसके बजट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइस, मेरे साथ बने रहे हो क्रिटिकल रिस्पॉन्स और प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। सो गाइस, उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे, जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है आपको सबसे पहले। सो गाइज, अब बात कर ले इसके सॉन्ग्स की, तो सो गाइज, आपको इस मूवी में जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो कि 21 मिनट 49 सेकंड के सॉन्ग्स हैं। और सॉन्ग ट्रैक एल्बम जो रिलीज हुई थी वो हुई थी सितंबर 2014 में, और रिकॉर्ड भी हुई थी सॉरी, रिकॉर्ड भी हुई थी 2014 में ही हुई थी, और लेंथ इसकी 21 मिनट 49 सेकंड की है। श्री विकी कशार फिल्म एजेंसी और मूवी प्रोडक्शन वी म्यूजिक वालों ने इसे लेबल दिया था। सो गाइज, अगर दी फिल्म वाज इट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर और स्टार जल्शन ऑन 25 जनवरी 2015 ऑन 6 PM IST वर्ल्ड टेलीविजन प्राइम पे इसको इसका प्रोमो भी दिखाया गया था, और इसे रिलीज करने से पहले। सो गाइज, ये थी मूवी के बारे में हम इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इसके क्रिटिकल रिस्पॉन्स की। उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी मूवी के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए। और अगर किसी मूवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे नीचे उस मूवी का नाम, उस सीरियल का नाम, या फिर उस अदाकार के बारे में, किसी भी बारे में आप कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे भी याद रखिए, और फिल्म को एंजॉय करें, और अपना भी फीडबैक दें। जिन दोस्तों ने देखी है वो मुझे जरूर बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या फीडबैक है उनका इस मूवी को लेकर। मुखालिफ के किरदार में है इस फिल्म में दीप के बाद राजा चक्रवर्ती और देव की हदायतकारी अदाकार की जोड़ी की वापसी की निशानदेही की गई है। इस फिल्म को शेरी विनी साठ फिल्मों ने प्रोड्यूस किया है, और यकम अक्टूबर 2014 को पूजा के दौरान रिलीज किया है। दुर्गा पूजा के उनका फेस्टिवल होता है, और तो उसमें उन्होंने दुर्गा फेस्टिवल में उन्होंने उस दौरान रिलीज किया था। जी गाइज, अब बात करते हैं आगे, मजीद बात करेंगे इसके सॉन्ग्स की, और इसके और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके सॉन्ग्स के बारे में, इसके बजट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइज, मेरे साथ बने रहे हो क्रिटिकल रिस्पॉन्स और प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। सो गाइज, उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे, जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है आपको सबसे पहले। सो गाइज, अब बात कर ले इसके सॉन्ग्स की, तो सो गाइज, आपको इस मूवी में जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो कि 21 मिनट 49 सेकंड के सॉन्ग्स हैं। और सॉन्ग ट्रैक एल्बम जो रिलीज हुई थी वो हुई थी सितंबर 2014 में, और रिकॉर्ड भी हुई थी सॉरी, रिकॉर्ड भी हुई थी 2014 में ही हुई थी, और लेंथ इसकी 21 मिनट 49 सेकंड की है। श्री विकी कशार फिल्म एजेंसी और मूवी प्रोडक्शन वी म्यूजिक वालों ने इसे लेबल दिया था। सो गाइज, अगर दी फिल्म वाज इट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर और स्टार जल्शन ऑन 25 जनवरी 2015 ऑन 6 PM IST वर्ल्ड टेलीविजन प्राइम पे इसको इसका प्रोमो भी दिखाया गया था,
इसे रिलीज करने से पहले। सो गाइस ये थी मूवी के बारे में हम इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इसके क्रिटिकल रिस्पांस की। उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। सो फ्रेंड्स अगर आपको किसी मूवी के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए। और अगर किसी मूवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे नीचे उस मूवी का नाम, उस सीरियल का नाम या फिर उस अदाकार के बारे में, किसी भी बारे में आप कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे भी याद रखिए और फिल्म को एंजॉय करें। और अपना भी फीडबैक दें, जिन दोस्तों ने देखी है उन्हें मुझे जरूर बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या फीडबैक है उनका इस मूवी को लेकर। मुखालिफ के किरदार में है इस फिल्म में दीप के बाद राजा चक्रवर्ती और देवकी हदायतकारी अदाकार की जोड़ी की वापसी की निशानदेही की गई है। इस फिल्म को शेरी विनी साठ फिल्मों ने प्रोड्यूस किया है और यकम अक्टूबर 2014 को पूजा के दौरान रिलीज किया है। दुर्गा पूजा के उनका फेस्टिवल होता है तो उसमें उन्होंने दुर्गा फेस्टिवल में उन्होंने उस दौरान रिलीज किया था। जी गाइज अब बात करते हैं, आगे मजीद बात करेंगे इसके सॉन्ग्स की और इसके और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके सॉन्ग्स के बारे में, इसके बजट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइज मेरे साथ बने रहे हो, क्रिटिकल रिस्पॉन्स और प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। सो गाइज उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है आपको सबसे पहले। सो गाइज अब बात कर ले इसके सॉन्ग्स की, तो सो गाइज आपको इस मूवी में जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो कि 21:49 के सॉन्ग्स हैं। और सॉन्ग ट्रैक एल्बम जो रिलीज हुई थी वो हुई थी सितंबर 2014 में और रिकॉर्ड भी हुई थी रिकॉर्ड भी हुई थी 2014 में ही हुई थी। और लेंथ इसकी 21:49 की है। श्री विकी के शार फिल्म एजेंसी और मूवी प्रोडक्शन वी म्यूजिक वालों ने इसे लेबल दिया था। सो गाइज अगर द फिल्म वाज इट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर और स्टार जल्शन ऑन 25 जनवरी 2015 ऑन 6 PM IST वर्ल्ड टेलीविजन प्राइम पे इसको इसका प्रोमो भी दिखाया गया था और इसे रिलीज करने से पहले। सो गाइज ये थी मूवी के बारे में हम इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इसके क्रिटिकल रिस्पांस की। उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। सो फ्रेंड्स अगर आपको किसी मूवी के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए। और अगर किसी मूवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे नीचे उस मूवी का नाम, उस सीरियल का नाम या फिर उस अदाकार के बारे में, किसी भी बारे में आप कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे भी याद रखिए और फिल्म को एंजॉय करें। और अपना भी फीडबैक दें, जिन दोस्तों ने देखी है उन्हें मुझे जरूर बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या फीडबैक है उनका इस मूवी को लेकर। मुखालिफ के किरदार में है इस फिल्म में दीप के बाद राजा चक्रवर्ती और देवकी हदायतकारी अदाकार की जोड़ी की वापसी की निशानदेही की गई है। इस फिल्म को शेरी विनी साठ फिल्मों ने प्रोड्यूस किया है और यकम अक्टूबर 2014 को पूजा के दौरान रिलीज किया है। दुर्गा पूजा के उनका फेस्टिवल होता है तो उसमें उन्होंने दुर्गा फेस्टिवल में उन्होंने उस दौरान रिलीज किया था।
जी गाइस, अब बात करते हैं, आगे मजीद बात करेंगे इसके सॉन्ग्स की, और इसके और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके सॉन्ग्स के बारे में, इसके बजट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइस, मेरे साथ बने रहे हो क्रिटिकल रिस्पॉन्स और प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। सो गाइस, उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे, जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है आपको सबसे पहले। सो गाइज, अब बात कर ले इसके सॉन्ग्स की, तो सो गाइज, आपको इस मूवी में जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो कि 21 मिनट 49 सेकंड के सॉन्ग्स हैं। और सॉन्ग ट्रैक एल्बम जो रिलीज हुई थी वो हुई थी सितंबर 2014 में, और रिकॉर्ड भी हुई थी रिकॉर्ड भी हुई थी 2014 में ही हुई थी, और लेंथ इसकी 21 मिनट 49 सेकंड की है। श्री विक्की केशार फिल्म एजेंसी और मूवी प्रोडक्शन वी म्यूजिक वालों ने इसे लेबल दिया था। सो गाइस, अगर द फिल्म वाज इट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर और स्टार जलशन ऑन 25 जनवरी 2015 ऑन 6 PM IST वर्ल्ड टेलीविजन प्राइम पे इसको इसका प्रोमो भी दिखाया गया था, और इसे रिलीज करने से पहले। सो गाइज, ये थी मूवी के बारे में हम इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इसके क्रिटिकल रिस्पॉन्स की। उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी मूवी के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए, और अगर किसी मूवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे नीचे उस मूवी का नाम, उस सीरियल का नाम या फिर उस अदाकार के बारे में, किसी भी बारे में आप कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे भी याद रखिए, और फिल्म को एंजॉय करें, और अपना भी फीडबैक दें। जिन दोस्तों ने देखी है वो मुझे जरूर बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या फीडबैक है उनका इस मूवी को लेकर। महालिफ के किरदार में है इस फिल्म में दीप के बाद राजा चक्रवर्ती और देव की हदायतकारी अदाकार की जोड़ी की वापसी की निशानदेही की गई है। इस फिल्म को शेरी विनी साठ फिल्मों ने प्रोड्यूस किया है, और यकम अक्टूबर 2014 को पूजा के दौरान रिलीज किया है। दुर्गा पूजा के उनका फेस्टिवल होता है, तो उसमें उन्होंने दुर्गा फेस्टिवल में उन्होंने उस दौरान रिलीज किया था। जी गाइस, अब बात करते हैं, आगे मजीद बात करेंगे इसके सॉन्ग्स की, और इसके और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके सॉन्ग्स के बारे में, इसके बजट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइस, मेरे साथ बने रहे हो क्रिटिकल रिस्पॉन्स और प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। सो गाइस, उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे, जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है आपको सबसे पहले। सो गाइज, अब बात कर ले इसके सॉन्ग्स की, तो सो गाइज, आपको इस मूवी में जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो कि 21 मिनट 49 सेकंड के सॉन्ग्स हैं। और सॉन्ग ट्रैक एल्बम जो रिलीज हुई थी वो हुई थी सितंबर 2014 में, और रिकॉर्ड भी हुई थी रिकॉर्ड भी हुई थी 2014 में ही हुई थी, और लेंथ इसकी 21 मिनट 49 सेकंड की है। श्री विक्की केशार फिल्म एजेंसी और मूवी प्रोडक्शन वी म्यूजिक वालों ने इसे लेबल दिया था। सो गाइज, अगर द फिल्म वाज इट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर और स्टार जलशन ऑन 25 जनवरी 2015 ऑन 6 PM IST वर्ल्ड टेलीविजन प्राइम पे इसको इसका प्रोमो भी दिखाया गया था,
इसे रिलीज करने से पहले। सो गाइस ये थी मूवी के बारे में हम इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इसके क्रिटिकल रिस्पांस की। उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। सो फ्रेंड्स अगर आपको किसी मूवी के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए। और अगर किसी मूवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे नीचे उस मूवी का नाम, उस सीरियल का नाम या फिर उस अदाकार के बारे में, किसी भी बारे में आप कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे भी याद रखिए और फिल्म को एंजॉय करें। और अपना भी फीडबैक दें, जिन दोस्तों ने देखी है उन्हें मुझे जरूर बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या फीडबैक है उनका इस मूवी को लेकर। महालिफ के किरदार में है इस फिल्म में दीप के बाद राजा चक्रवर्ती और देव की हदायतकारी अदाकार की जोड़ी की वापसी की निशानदेही की गई है। इस फिल्म को शेरी विनी सात फिल्मों ने प्रोड्यूस किया है और यकम अक्टूबर 2014 को पूजा के दौरान रिलीज किया है। दुर्गा पूजा के उनका फेस्टिवल होता है और तो उसमें उन्होंने दुर्गा फेस्टिवल में उन्होंने उस दौरान रिलीज किया था। जी गाइज अब बात करते हैं, आगे मजीद बात करेंगे इसके सॉन्ग्स की और इसके और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके सॉन्ग्स के बारे में, इसके बजट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइज मेरे साथ बने रहे हो, क्रिटिकल रिस्पॉन्स और प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। सो गाइज उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है आपको सबसे पहले। सो गाइज अब बात कर ले इसके सॉन्ग्स की, तो सो गाइज आपको इस मूवी में जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो कि 21 मिनट 49 सेकंड के सॉन्ग्स हैं। और सॉन्ग ट्रैक एल्बम जो रिलीज हुई थी वो हुई थी सितंबर 2014 में और रिकॉर्ड भी हुई थी सितंबर रिकॉर्ड भी हुई थी 2014 में ही हुई थी। और लेंथ इसकी 21 मिनट 49 सेकंड की है। शेरी विकी के शार फिल्म जेंसी और मूवी प्रोडक्शन वी म्यूजिक वालों ने इसे लेबल दिया था। सो गाइस अगर द फिल्म वाज इट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर और स्टार जल्शन ऑन 25 जनवरी 2015 ऑन 6 PM IST वर्ल्ड टेलीविजन प्राइम पे इसको इसका प्रोमो भी दिखाया गया था और इसे रिलीज करने से पहले। सो गाइज ये थी मूवी के बारे में हम इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इसके क्रिटिकल रिस्पांस की। उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। सो फ्रेंड्स अगर आपको किसी मूवी के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए। और अगर किसी मूवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे नीचे उस मूवी का नाम, उस सीरियल का नाम या फिर उस अदाकार के बारे में, किसी भी बारे में आप कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे भी याद रखिए और फिल्म को एंजॉय करें। और अपना भी फीडबैक दें, जिन दोस्तों ने देखी है उन्हें मुझे जरूर बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या फीडबैक है उनका इस मूवी को लेकर। महालिफ के किरदार में है इस फिल्म में दीप के बाद राजा चक्रवर्ती और देव की हदायतकारी अदाकार की जोड़ी की वापसी की निशानदेही की गई है। इस फिल्म को शेरी विनी सात फिल्मों ने प्रोड्यूस किया है और यकम अक्टूबर 2014 को पूजा के दौरान रिलीज किया है। दुर्गा पूजा के उनका फेस्टिवल होता है और तो उसमें उन्होंने दुर्गा फेस्टिवल में उन्होंने उस दौरान रिलीज किया था।
जी गाइस, अब बात करते हैं आगे, मजीद बात करेंगे इसके सॉन्ग्स की और इसके और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके सॉन्ग्स के बारे में, इसके बजट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइस, मेरे साथ बने रहे हो क्रिटिकल रिस्पॉन्स और प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। सो गाइस, उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे, जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है आपको सबसे पहले। सो गाइज, अब बात कर ले इसके सॉन्ग्स की, तो सो गाइज आपको इस मूवी में जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो कि 21 मिनट 49 सेकंड के सॉन्ग्स हैं। और सॉन्ग ट्रैक एल्बम जो रिलीज हुई थी वो हुई थी सितंबर 2014 में, और रिकॉर्ड भी हुई थी सितंबर सॉरी रिकॉर्ड भी हुई थी 2014 में ही हुई थी, और लेंथ इसकी 21 मिनट 49 सेकंड की है। श्री विकी कशार फिल्म एजेंसी और मूवी प्रोडक्शन वी म्यूजिक वालों ने इसे लेबल दिया था। सो गाइज, अगर द फिल्म वाज इट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर और स्टार जल्शन ऑन 25 जनवरी 2015 ऑन 6 PM IST वर्ल्ड टेलीविजन प्राइम पे इसको इसका प्रोमो भी दिखाया गया था और इसे रिलीज करने से पहले। सो गाइज, ये थी मूवी के बारे में हम इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इसके क्रिटिकल रिस्पांस की। उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी मूवी के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए, और अगर किसी मूवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे नीचे उस मूवी का नाम, उस सीरियल का नाम या फिर उस अदाकार के बारे में, किसी भी बारे में आप कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए, प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और मुझे भी याद रखिए और फिल्म को एंजॉय करें, और अपना भी फीडबैक दें, जिन दोस्तों ने देखी है उन्हें मुझे जरूर बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या फीडबैक है उनका इस मूवी को लेकर। महालिफ के किरदार में है इस फिल्म में दीप के बाद राजा चक्रवर्ती और देवकी हदायतकारी अदाकार की जोड़ी की वापसी की निशानदेही की गई है। इस फिल्म को शेरी विनी साठ फिल्मों ने प्रोड्यूस किया है और यकम अक्टूबर 2014 को पूजा के दौरान रिलीज किया है। दुर्गा पूजा के उनका फेस्टिवल होता है, तो उसमें उन्होंने दुर्गा फेस्टिवल में उन्होंने उस दौरान रिलीज किया था। जी गाइस, अब बात करते हैं आगे, मजीद बात करेंगे इसके सॉन्ग्स की और इसके और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके सॉन्ग्स के बारे में, इसके बजट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइस, मेरे साथ बने रहे हो क्रिटिकल रिस्पॉन्स और प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। सो गाइस, उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे, जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है आपको सबसे पहले। सो गाइज, अब बात कर ले इसके सॉन्ग्स की, तो सो गाइज आपको इस मूवी में जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो कि 21 मिनट 49 सेकंड के सॉन्ग्स हैं। और सॉन्ग ट्रैक एल्बम जो रिलीज हुई थी वो हुई थी सितंबर 2014 में, और रिकॉर्ड भी हुई थी सितंबर सॉरी रिकॉर्ड भी हुई थी 2014 में ही हुई थी, और लेंथ इसकी 21 मिनट 49 सेकंड की है। श्री विकी कशार फिल्म एजेंसी और मूवी प्रोडक्शन वी म्यूजिक वालों ने इसे लेबल दिया था। सो गाइज, अगर द फिल्म वाज इट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर और स्टार जल्शन ऑन 25 जनवरी 2015 ऑन 6 PM IST वर्ल्ड टेलीविजन प्राइम पे इसको इसका प्रोमो भी दिखाया गया था
इसे रिलीज करने से पहले। सो गाइस ये थी मूवी के बारे में हम इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इसके क्रिटिकल रिस्पांस की। उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। सो फ्रेंड्स अगर आपको किसी मूवी के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए। और अगर किसी मूवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे नीचे उस मूवी का नाम, उस सीरियल का नाम या फिर उस अदाकार के बारे में, किसी भी बारे में आप कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे भी याद रखिए और फिल्म को एंजॉय करें। और अपना भी फीडबैक दें, जिन दोस्तों ने देखी है वो मुझे जरूर बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या फीडबैक है उनका इस मूवी को लेकर। मुखालिफ के किरदार में है इस फिल्म में दीप के बाद राजा चक्रवर्ती और देवकी हदायतकारी अदाकार की जोड़ी की वापसी की निशानदेही की गई है। इस फिल्म को शेरी विनी साठ फिल्मों ने प्रोड्यूस किया है और यकम अक्टूबर 2014 को पूजा के दौरान रिलीज किया है। दुर्गा पूजा के उनका फेस्टिवल होता है तो उसमें उन्होंने दुर्गा फेस्टिवल में उन्होंने उस दौरान रिलीज किया था। जी गाइज अब बात करते हैं, आगे मजीद बात करेंगे इसके सॉन्ग्स की और इसके और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके सॉन्ग्स के बारे में, इसके बजट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइज मेरे साथ बने रहे हो, क्रिटिकल रिस्पॉन्स और प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। सो गाइज उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है आपको सबसे पहले। सो गाइज अब बात कर ले इसके सॉन्ग्स की, तो सो गाइज आपको इस मूवी में जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो कि 21:49 के सॉन्ग्स हैं। और सॉन्ग ट्रैक एल्बम जो रिलीज हुई थी वो हुई थी सितंबर 2014 में और रिकॉर्ड भी हुई थी सितंबर रिकॉर्ड भी हुई थी 2014 में ही हुई थी। और लेंथ इसकी 21:49 की है। श्री विक्की के शार फिल्म जेंसी और मूवी प्रोडक्शन वी म्यूजिक वालों ने इसे लेबल दिया था। सो गाइस अगर द फिल्म वाज इट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर और स्टार जलशन ऑन 25 जनवरी 2015 ऑन 6 PM IST वर्ल्ड टेलीविजन प्राइम पे इसको इसका प्रोमो भी दिखाया गया था और इसे रिलीज करने से पहले। सो गाइज ये थी मूवी के बारे में हम इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इसके क्रिटिकल रिस्पांस की। उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। सो फ्रेंड्स अगर आपको किसी मूवी के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए। और अगर किसी मूवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे नीचे उस मूवी का नाम, उस सीरियल का नाम या फिर उस अदाकार के बारे में, किसी भी बारे में आप कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे भी याद रखिए और फिल्म को एंजॉय करें। और अपना भी फीडबैक दें, जिन दोस्तों ने देखी है वो मुझे जरूर बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या फीडबैक है उनका इस मूवी को लेकर। मुखालिफ के किरदार में है इस फिल्म में दीप के बाद राजा चक्रवर्ती और देवकी हदायतकारी अदाकार की जोड़ी की वापसी की निशानदेही की गई है। इस फिल्म को शेरी विनी साठ फिल्मों ने प्रोड्यूस किया है और यकम अक्टूबर 2014 को पूजा के दौरान रिलीज किया है। दुर्गा पूजा के उनका फेस्टिवल होता है तो उसमें उन्होंने दुर्गा फेस्टिवल में उन्होंने उस दौरान रिलीज किया था।
जी गाइस, अब बात करते हैं आगे, मजीद बात करेंगे इसके सॉन्ग्स की और इसके और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके सॉन्ग्स के बारे में, इसके बजट के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइस, मेरे साथ बने रहे हो क्रिटिकल रिस्पॉन्स और प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। सो गाइस, उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दी, जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है आपको सबसे पहले। सो गाइज, अब बात कर ले इसके सॉन्ग्स की, तो सो गाइज, आपको इस मूवी में जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो टोटल 5 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जो कि 21 मिनट 49 सेकंड के सॉन्ग्स हैं। और सॉन्ग ट्रैक एल्बम जो रिलीज हुई थी वो हुई थी सितंबर 2014 में, और रिकॉर्ड भी हुई थी रिकॉर्ड भी हुई थी 2014 में ही हुई थी, और लेंथ इसकी 21 मिनट 49 सेकंड की है। श्री विकी कशार फिल्म एजेंसी और मूवी प्रोडक्शन वी म्यूजिक वालों ने इसे लेबल दिया था। सो गाइज, अगर द फिल्म वाज इट वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर और स्टार जल्शन ऑन 25 जनवरी 2015 ऑन 6 PM IST वर्ल्ड टेलीविजन प्राइम पे इसको इसका प्रोमो भी दिखाया गया था और इसे रिलीज करने से पहले। सो गाइज, ये थी मूवी के बारे में हम इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इसके क्रिटिकल रिस्पांस की। उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी मूवी के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए, और अगर किसी मूवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे नीचे उस मूवी का नाम, उस सीरियल का नाम या फिर उस अदाकार के बारे में, किसी भी बारे में आप कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे भी याद रखिए, और फिल्म को एंजॉय करें और अपना भी फीडबैक दें। जिन दोस्तों ने देखी है उन्हें मुझे जरूर बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी और क्या फीडबैक है उनका इस मूवी को लेकर।